हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ रेलवक्स गेमर, आपका दोस्त और होस्ट। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि ट्रैक के बारे में, कि ट्रैक को कैसे, कौन कौन से ट्रैक और कैसे कैसे हम, अगर आप रूट बना रहे हो तो रूट के अंदर आपको थोड़ी जानकारी मिल जाए। जिस भाई को पता है, अच्छी बात है। कई ऐसे भाई भी है जो मुझे कमेंट्स करते हैं कि ट्रैक को कैसे हम रूट के अंदर, कौन सा ट्रैक क्रिएट करें, कौन सा ट्रैक कैसे करें। तो इनके ट्रैक के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। जिस भाई को पता है वो वीडियो को छोड़ कर जा सकता है, जिस भाई को नहीं पता है वो पूरी वीडियो देखना, समझ में आपको आएगा और आपकी हेल्प हो जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे हम कोई रूट बना रहे हैं, तो रूट के अंदर आने के बाद में हमें ट्रैक बनाना होता है। तो ट्रैक के अंदर क्या होता है कि इस साइड के अंदर आप देख सकते हो सारी चीज़ें इस साइड के अंदर आती है। एक कैमरे को मैं तो कैमरा सेट इस साइड लाना पड़ा, क्योंकि इस साइड के जो ऑप्शन है वो दिख नहीं रहते। देखिए आप इधर, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, आपको ये इधर वाला ये दिख रहा होगा, आपको ऑब्जेक्ट टूल लाइनर ऑब्जेक्ट टूल आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको ट्रेन, जो भी ट्रैक आपको चाहिए, देखिए यहाँ पे FLG के हैं, तो जो ये डीजल वाले हैं। और हमें क्या करना है, अगर आपको डीजल वाले क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये डीजल वाला आपने जैसे सेलेक्ट किया, इधर आने के बाद में हमें देखना है कि FLG यार्ड ट्रैक है, तो हमें मेन लाइन चाहिए। यहाँ पे यार्ड ट्रैक भी होते हैं और यार्ड ट्रैक ये 6 m का मतलब होता है, 6-6 मीटर की दूरी होती है। दोनों जो ट्रैक होते हैं उनके अंदर 6 मीटर की दूरी, तो ये 6 m का ये मतलब होता है, आपको ध्यान रखना है। 12 m का मतलब होता है 12 मीटर की दूरी। दो ट्रैक के अंदर, हम दो ट्रैक अगर हम बना रहे हैं, तो उन दोनों के अंदर जो दूरी होती है उनको हमें कैसे पास में और दूर में करना होता है, ये इसके अंदर आपको मैं बता रहा हूँ कि जो 6 m है तो 6 मीटर की दूरी है, 12 m है तो 12 मीटर की दूरी होती है। तो ये देखिए, मैं आपको 6 m आपको दिखाता हूँ। 6 m इसके अंदर मेन लाइन वाला मैं लेता हूँ और यहाँ पे हम करेंगे, नीचे आप देख रहे होंगे जो मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे हम दो करेंगे तो दो लाइन आ जाएगी। ये देखिए, ये हमारे पास दो लाइन आ चुकी है। तो पहले हम इसे 6 मीटर दूरी बनाते हैं। तो आप ये ट्रैक देख रहे हो, ये मैंने ये ट्रैक बनाया, इसके अंदर की आप दूरी देख रहे हो कितनी दूरी है। ये दोनों ट्रैक के अंदर 6 मीटर की दूरी हो गई है। तो अभी आपको दिखाते हैं दूसरा ट्रैक, 12 m वाला। ये देखिए, ये 12 m वाला है। तो आप इनकी दूरी देखिए, ये देखिए, ये होता है 12 m का मतलब 12 मीटर की दूरी हो चुकी है दोनों के अंदर। हमें पास में या ट्रैक को एकदम पास में बनाना होता है, तो हमें मीटर को कम करना होगा। और अब इस 6 मीटर, ये 12 मीटर हो गया, तो हम चाहते हैं कि 6 मीटर से भी पास में ट्रैक हो, तो ये 4 मीटर वाला हम करेंगे यहाँ पे। ये देखिए, अभी ये देखिए कितना पास में ये मीटर हो गया है। ये जब ये वाला हम जब भी बनाते हैं, तो हम स्टेशन के जो प्लेटफॉर्म होते हैं उन पे हम ये दूरी, कम दूरी वाला हम बना सकते हैं, क्योंकि कई स्टेशनों पे आपने देखा होगा कि ट्रैक के दोनों ट्रैक के अंदर दूरी होती है। हम ये सोचते हैं, हम बनाते हैं तो इतनी दूरी नहीं मिलती है, ना इतना पास में मिलता है। तो ये ट्रैक का आपको समझना होगा। तो और इसके अंदर हम जैसे ये ट्रैक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि दोस्तों, इसके अंदर होता है कि जैसे ट्रैक तो हमने बना लिए, कई ट्रैक को एक के पास में जोड़ना होता है, मतलब एक ट्रैक को दूसरे ट्रैक से हमें जंक्शन कनेक्ट करना होता है। जैसे जंक्शन प्लेटफॉर्म बना रहे, जंक्शन रेलवे स्टेशन हम बना रहे हैं, तो दो लाइन आके जुड़ती है, तो दोनों लाइन के बीच में हमें क्रॉसिंग देना होता है, तो क्रॉस ओवर भी हमें करना होता है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला आइकन दिख रहा है आपको, क्रॉस ओवर, इसको हम क्लिक करेंगे
फिर जो हमारा ट्रैक है उस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम इसको जैसे इसको ऊपर बनाएंगे तो ये छोटा पड़ गया है, इस वाले पे बनाते हैं, ऐसे हम बनाएंगे तो ये देख सकते हो आप इस तरीके से ये क्रॉस ओवर बन जाएगा। ये थोड़ी सी लाइन थोड़ा सा कम हो गया है, ये देखिए इस पे भी नहीं बनेगा, तो आप समझ जाना इस तरीके से बनता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ट्रैक बड़ा नहीं बनाया, ट्रैक छोटा पड़ रहा है। और एक तो ये हो गया, एक ट्रैक को हम जैसे ट्रैक यहाँ पे दो ट्रैक है, दोनों ट्रैक अलग अलग हमने बनाए तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये नीचे वाला जो आपको दिख रहा है स्नैप टू ट्रैक, हमें स्नैप करना होगा ट्रैक को। स्नैप का मतलब होता है ट्रैक को जोड़ना होता है, तो हमें क्या करना है कि अभी इस वाले पे जाएंगे, यहाँ पे एक करेंगे, एक ही ट्रैक हमें जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, जो मान लो यहाँ से हम ट्रैक को लेंगे और इसको धीरे धीरे लाके थोड़ा और से लाके, और इसको यहाँ पे लाके और ट्रैक के साइड में जोड़ देंगे, ये ट्रैक भी छोटा पड़ रहा है। हमें पहले एक ट्रैक बनाना होगा लंबा, ये ट्रैक बन गया है, क्योंकि लंबा ट्रैक चाहिए। इस तरीके से आप देख सकते हो हमें इस पे जोड़ना होता है, तो ये देखिए यहाँ पे ये जुड़ गया है, ये देखिए बन गया हमारा क्रॉस ओवर, ये स्नैप होता है, स्नैप करके हम बनाते हैं कि एक ट्रैक बन गया, दूसरा ट्रैक हम साइड से जोड़ते हैं, तो उसको इस तरीके से आप ट्रैक बना सकते हो। तो ये देखिए ये हमारा ट्रैक स्नैप ओवर ट्रैक बन चुका है, ये देखिए इस तरीके से बन चुका है। और हम यहाँ पे जो ट्रैक है कौन सा वाला है, यहाँ पे हम करेंगे दो, ये वाला है, टिक को हटाना पड़ेगा, लग सीधा टिक, ये बन चुका है। अभी हमारा जो काम है ये वाला क्रॉस ओवर वाला, इसके ऊपर हमारा क्रॉस ओवर वाला काम कर जाएगा, ये देखिए, क्योंकि लंबा ट्रैक होता है तभी ये काम करता है, और ये हमारा क्रॉस ओवर यहाँ पे बन जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इसको डबल करना है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा, ये डबल हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, ये डबल हो जाएगा, देख सकते हो आप, ये क्रॉस ओवर इस तरीके से बनता है। अब ये सब हो गया, अभी हमें कई बार क्या होता है, ये बड़ा राउंड देना होता है, तो एकदम राउंड को गोल में देने के लिए हमें ये वाला जो आइकन आपको दिख रहा है, ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना होता है, और यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे, और आप देख सकते हो, देखिए इस तरीके से बन जाता है। मैं इसको दोस्तों बनाऊंगा नहीं, क्योंकि विंडो के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम चल रही, मैं जैसे इसको क्रिएट करता हूँ तो आउट ऑफ मेमोरी वाला आउट ऑफ मेमोरी वाला मेरे विंडो पे आ रहा है, मेरे विंडो में थोड़ी प्रॉब्लम है। मैं जैसे इसको अब इसको मैंने बना दिया है, अब इसको अगर मैं इसे जोड़ूंगा तो आउट ऑफ मेमोरी वाला ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए, इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हो, मैं करके नहीं दिखा सकता लेकिन आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे आपको फिर ये कैमरा का यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे हैं उसके अंदर ये ऑप्शन आपको सेट करना होता है जैसे, तो मैं अभी सेट नहीं कर सकता क्योंकि विंडो के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, हम किसी और वीडियो के अंदर इसके बारे में चर्चा कर लेंगे, लेकिन आपको बता सकता हूँ कि आपको ये वाला जो आपको ये दिख रहा है ये वाला, ये राउंड के लिए होता है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये चीज़ें सब इसके अंदर काम आने वाली चीज़ें होती है। तो मैंने और ये जो ऑप्शन है
ये वाली, ये सब इसी के अंदर काम आते हैं। तो आपको अगर राउंड वाला चाहिए तो आपको ये राउंड वाला ये मिल जाएगा, इसे बन जाएगा राउंड। देखिए मैं पूरा बनाऊंगा तो देखिए आपके सामने, जैसे मैं पूरा करता हूँ तो विंडो ये वाला ऑप्शन आप देख रहे हो, ये आउट ऑफ मेमोरी वाला ऑप्शन आ रहा है। तो मुझे कि विंडो दोबारा इंस्टॉल करनी होगी क्योंकि विंडो के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम है, विंडो करप्ट है, या हो सकता है आउट ऑफ मेमोरी वाला ऑप्शन विंडो के अंदर जाके मुझे सेट करना होगा, क्योंकि ये विंडो के अंदर जो प्रॉब्लम आती है आउट ऑफ मेमोरी वाली, ये ज़्यादा हाई लोड पड़ने की वजह से होता है, जो पीसी के ऊपर जो लोड पड़ता है उसके ऊपर ये प्रॉब्लम आती है, तो उसको मैं दूर करना होगा। तो मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं था क्योंकि विंडो के अंदर बहुत सी चीज़ें इंस्टॉल है जो मुझे मैनेज करनी होगी, क्योंकि विंडो करप्ट या दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ी तो फिर दिक्कत हो सकती है चीज़ों को निकालने में, तो इसके बारे में और कभी हम बात करेंगे। तो ये काम भी हो गया, ये भी हो गया। इसका मतलब होता है दो ट्रैक को जोड़ना, कैसे होता है, जैसे मैं ट्रैक आपको दिखाता हूँ, दो ट्रैक जैसे ट्रैक है, ये ट्रैक मैंने इस पे ये ट्रैक बना दिया है, तो दो ट्रैक को पहले इसको हम अलग कर देते हैं। अभी ये दोनों ट्रैक अलग है, मैं इसको यहाँ रख दूँगा। अभी इसको इसमें जोड़ना है तो दोस्तों हम जाएंगे इसके ऊपर जॉइंट, ये जॉइन करता है दोनों, दो ट्रैक को जॉइन करता है, तो पहले इस पर क्लिक करेंगे। याद रखना है जिसको जिसमें जोड़ना है तो पहले उसको क्लिक करना है आपको, जिसको इसमें जोड़ना होता है, फिर इस पर आप लाके क्लिक करोगे तो ये देखिए ये दोनों एक हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अभी हम एक और, अगर आपका कोई और कोई प्रॉब्लम है, रूट बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।